हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट फंडामेंटल टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज। तो टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी में हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल्स, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, रिटायरमेंट सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड हॉस्पिटल सर्विसेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे केयर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है सिक और इंजर्ड पर्सन का, ठीक है। तो हॉस्पिटल एक जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड दो तरह से होते हैं। तो जनरलाइज्ड हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें जो पेशेंट की जो जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जो स्पेशल प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे न्यूरॉन, कार्डियक, ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में क्या होता है, दीज एजेंसी प्रोवाइड केयर एंड सर्विसेज टू पेशेंट हु आर क्रिटिकल, मतलब जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको कंटिन्यू केयर की ज़रूरत होती है, जो क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं उनके लिए ये एजेंसी काम करती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ उन ऐसे पेशेंट के लिए काम करती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इस फैसिलिटीज़ में नर्सिंग और मेडिकल केयर दोनों प्रोवाइड की जाती है। थर्ड है रिटायरमेंट सेंटर। तो रिटायरमेंट सेंटर में क्या होता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं अपनी जॉब से, तो वो कुछ पीपल क्या होते हैं, क्राइसिस में चले जाते हैं, मतलब उनको अकेलापन फील होता है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल नीड आर नॉट फुलफिल्ड, मतलब उनकी फिजियोलॉजिकल नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती है घर पे। तो ऐसे पर्सन को रिटायरमेंट सेंटर ऐसे पर्सन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन तो रिटायरमेंट सेंटर पे क्या होता है, ऐसे पर्सन की केयर होती है, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है, ठीक है, और वो क्राइसिस से भी रिमूव होते हैं। फोर्थ है रिहैबिलिटेशन सेंटर। दीज आर सेंटर विच प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट विद इन कैपेसिटी ऑफ पेशेंट। रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है कि जो पेशेंट हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, मतलब उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है, ठीक है, और स्पेशल कंसीडर टू टेकन रिगार्ड टू द फिजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्क, ठीक है। तो उनकी क्या है, फिजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्क, उनकी साइकोलॉजिकल या फिर उनकी फिजियोलॉजिकल, मतलब जो भी उनकी कैपेसिटी है उनके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, हॉस्पिटल सर्विसेज। हॉस्पिटल सर्विसेज में क्या होता है कि जो दी सर्विसेज आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ केयरिंग कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल टुगेदर विद फैमिली। तो हॉस्पिटल सर्विसेज इसमें क्या होता है कि ये जो सर्विसेज है वो केयरिंग जो केयरिंग है उसके कॉन्सेप्ट पे ये हॉस्पिटल सर्विसेज काम करती हैं, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल सर्विसेज में प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों तरह के पीपल एक साथ काम करते हैं एक फैमिली की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को इमोशनल स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स उसकी दूर की जाती है, ठीक है, मतलब जो टर्मिनल इल पेशेंट हैं उसके लिए ये मतलब काम करते हैं। तो उनका मेन गोल क्या होता है कि उसके पेशेंट के पेन को कंट्रोल करना, ठीक है, और दूसरे और अदर दूसरे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, डिजीज़ टर्मिनल इल है तो उसको डिजीज़ भी है टर्मिनली, तो ऐसे सिम्टम्स उसको जो आ रहे हैं उसको दूर करना, उसके पेन को कंट्रोल करना, ठीक है, और कीपिंग और उसके साथ साथ जो ऐसे पेशेंट हैं उनको रेस्ट रेस्ट देना, ठीक है, उनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, मीनिंगफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो ये हो गया हमारा हेल्थ केयर एजेंसी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ प्रमोशन एंड लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन की बात करेंगे।
हेल्थ प्रमोशन एंड लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। तो इसमें क्या होता है कि हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी हेल्प क्लाइंट टू मेंटेन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ हेल्थ एंड एनहांस इट इन द फर्दर। मतलब क्या होता है कि हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि ऐसे एक्टिविटीज़ हम देते हैं जिससे कि क्लाइंट अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सके, ठीक है, उसके हेल्थ अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके, हेल्थ को मेंटेन रख सके, ठीक है, और अच्छे से अपनी हेल्थी लाइफ जी सके। और इलनेस प्रिवेंट, उसके बाद में इलनेस प्रिवेंट एक्टिविटीज़ प्रोटेक्ट ए चाइल्ड फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ। मतलब क्या होता है कि इलनेस प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ क्या जो हम करते हैं पेशेंट के लिए, मतलब तो उसमें क्या होता है कि अगर अपन एक चाइल्ड के लिए इलनेस प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो उसकी आगे की लाइफ के लिए जो भी उसकी एक्चुअल या पोटेंशियल प्रॉब्लम होने वाली है उसकी लाइफ के लिए उसके उससे प्रिवेंशन किया जा सकता है। अब बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन की। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबल पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट एनी डिजीज बट इट इज इंटेक्ट टू स्ट्रेंथन। मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली, मतलब ऐसा काम नहीं करेगी डायरेक्टली डिजीज के अगेंस्ट में ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हेल्थ को प्रमोट करेगी, मतलब स्ट्रेंथ, मतलब हेल्थ की क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, ठीक है। और मतलब तो हेल्थ की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी कैन बी एक्टिव एंड पैसिव। मतलब हेल्थ केयर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से हो सकती हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी हेल्थ में हेल्थ प्रमोट हो उसकी पेशेंट की, ठीक है, पेशेंट की नहीं सॉरी पर्सन की हेल्थ प्रमोट हो। तो उसके लिए जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे अगर वो ड्रिंकिंग वाटर है उसका तो वो फ्लोरिडेशन हो, ठीक है, या फिर जो मिल्क है वो फोर्टिफिकेशन हो, मिल्क का ऐसा मिल्क पिए जिसके जिससे जिसका फोर्टिफिकेशन ऑफ होमोजेनाइज मिल्क, ऐसा मिल्क हो, ठीक है, विद विटामिन डी। तो ऐसे मतलब ऐसे हम उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि एक्टिव और पैसिव दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। तो हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग कर सकते हैं और डिजीज से प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब ये पेंडर है बाय 1987 LHHA लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ हैबिट असेसमेंट ये डेवलप की गई है। इसके अंदर जो 10 सेशन में इसको डिवाइडेड किया गया है, जनरल कॉम्पिटेंसी ऑफ सेल्फ केयर, न्यूट्रिशन प्रैक्टिस, फिजिकल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेंस ऑफ पर्पस, रिलेशनशिप विद अदर, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यूज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो इनके थ्रू क्या होता है कि हेल्थ का प्रमोशन होता है। ठीक है, और भी कई जैसे और भी कई हैबिट्स होती हैं जिनका जिनके थ्रू हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है, और डिजीज से प्रिवेंशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 meals in a day, ठीक है, 3 meals in a day, या फिर नो स्मोकिंग, या ब्रेकफास्ट एवरी डे, या फिर मॉडरेट एक्सरसाइज 2 to 2 or 3 times in a week, ठीक है, या फिर 7 to 8 hours अनइंटरप्टेड स्लीप ए डे, या फिर आइडियल बॉडी वेट, ठीक है, या फिर नो अल्कोहल, ठीक है। इन सब से क्या होता है कि हेल्थ का प्रमोशन हो सकता है अगर ये एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में की जाए तो। उसके बाद में
लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन, तो कुछ लेवल्स होते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन के। इन मॉडर्न डे मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन बिकम ब्रॉड एंड इट हैज़ बिकम कस्टमरी डिफाइन प्रिवेंशन इन टर्म ऑफ 4 लेवल। ठीक है, तो इन लेवल्स के आधार पर डिजीज़ का प्रिवेंशन किया जाता है। ठीक है, तो गोल क्या होता है प्रिवेंशन का, तो जो एक वर्ड है प्रिवेंशन, उसका क्या गोल होता है कि जो सक्सेसफुली प्रिवेंशन किया जाए डिजीज से पर्सन का। ठीक है, बाय नॉलेज ऑफ कोज, मतलब डिजीज का कोज क्या होने वाला है। ठीक है, या फिर ट्रांसमिशन कैसे होगी डिजीज, या फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, या रिस्क ग्रुप्स कौन से हैं, या फिर जो प्रोफाइल एक्सिस या फिर अर्ली डिटेक्शन है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं हम उसके लिए, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो भी, जो मतलब ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकती है। ठीक है, मतलब जो, या फिर तो पर्सन को, या फिर ग्रुप को, या फिर पर्सन को मतलब ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, उसका कंटिन्यू इवैल्यूएशन कर सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम जो लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन है उनको बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके 4 लेवल्स बताए गए हैं डिजीज़ प्रिवेंशन के, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। तो इस मॉडल के थ्रू हम समझेंगे प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है, टारगेट सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी अफेक्टिंग हेल्थ। ठीक है, मतलब जो हेल्थ को जो अफेक्ट कर सकती है वो टारगेट सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज होती हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सेकंड है प्राइमरी प्रिवेंशन, टारगेट रिस्क फैक्टर लीडिंग टू इंजरी डिजीज, सेफ्टी बेल्ट लो एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, मतलब जो रिस्क फैक्टर है, जो टारगेट रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं इंजरी या डिजीज के लिए, तो उनसे सेफ्टी करना जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह। उसके बाद में सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट इंजरी डिजीज वंस एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर अकर बट स्टिल इन अननी। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज या इंजरी तो हो गई है लेकिन उसको अर्ली लेवल पे ही उसका डिटेक्शन कर लेना, उसके रिस्क फैक्टर का अर्ली लेवल पे ही पता लगा के उसको वहीं पे ट्रीट करना। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रिहैबिलिटेशन पर्सन विद इंजरी डिजीज टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, मतलब जो पर्सन है जिसको डिजीज या इंजरी हुई है उसकी कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करके उसको रिहैबिलिटेट करना। ठीक है, उसको वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करना। ठीक है, या फिर टू रिटेन वर्क आफ्टर इंजरी, जिससे कि वो अपने जो पहले उसकी जो डेली एक्टिविटीज वो का जो काम करता था उससे वो वापस रिट्रेन कर सके। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, दिस इज ए प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन ए पॉपुलेशन ग्रुप विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। सोशल अटेंशन इज गिवन इन प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीज, मेन इंटरवेंशन इज हेल्थ एजुकेशन। इन दिस एफर्ट टू डेडिकेटेड टूवर्ड इनकरेज पीपल फ्रॉम अडोप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल हैबिट थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। मतलब इसका प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब यही होता है कि जो डिजीज़ है, मतलब जो क्रोनिक डिजीज़ है फ्यूचर में अगर कोई होने वाली है उससे हमको कैसे प्रिवेंट करना है, मतलब उसके लिए हम कुछ ऐसा करें कि वो डिजीज़ हमें हो ही ना, उसके रिस्क फैक्टर भी पैदा ना हो उस डिजीज़ के। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो अगर हार्मफुल लाइफ स्टाइल है, कुछ हैबिट्स है हार्मफुल, उसको हम अवॉइड करें। ठीक है, और प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज रेयरली न्यू कॉन्सेप्ट रिसीविंग स्पेशल अटेंशन टू प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या आता है कि जो बहुत से पर्सन होते हैं जैसे कि ओबेज होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं, ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं उनसे
उनको मतलब उनके प्रिवेंशन के लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाता है पहले ही, मतलब उनके अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही उनको मतलब प्रिवेंट किया जाता है ऐसे डिजीजेस होने से। ठीक है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उनकी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज किया जाता है, जैसे कि स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न या फिर फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह से उनको उनकी ये मॉडिफिकेशन करके, उनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके उनको आगे के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वो डिजीज़ के कॉन्टेक्ट में आ ही ना सके। प्रीमॉडल प्रिवेंशन बिगिन इन चाइल्डहुड व्हेन हाई हेल्थ रिस्क बिहेवियर बिगिन, पेरेंट, टीचर एंड पीयर ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट इन इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो पेरेंट, टीचर और पीयर ग्रुप्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ एजुकेशन देने के लिए चिल्ड्रंस को। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेक प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज के होने से पहले हमें एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है, जो कि जो डिजीज का कोज है उसको रिमूव किया जा सके, विच रिमूव द पॉसिबल दैट द डिजीज विल बी अकर। ठीक है, तो डिजीज अकर होने वाली है उसको हम प्रिवेंट कर सके, ऐसा ऐसा हमें पहले से ही ऐसा एक्शन लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, इन दिस एक्शन आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। जैसे कि क्या होता है कि पहले जैसे क्या एक्शन ले सकते हैं हम, सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेजेस ऑफ डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम। जो डिजीज के प्री पैथोजेनेसिस फेजेस है, ठीक है, तो और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन करना। ठीक है, ठीक, जैसे कि मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे कि लो बर्थ वेट है बेबी का, अगर बच्चे का लो बर्थ वेट है तो वो आगे जाके उसकी हेल्थ हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो उसका हमने पता लगा लिया, अब हम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज होने से। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। इट इज डिफाइंड एन एक्शन विच हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज ऑफ इट्स इंसिपेंट स्टेजेस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज तो अकर हो गई है, लेकिन उस डिजीज को टाइमली ट्रीट करना, ताकि वो उससे आगे कॉम्प्लिकेशन होना हो, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो उस स्टेज में ही डिजीज को क्योर करना। द स्पेसिफिक इंटरवेंशन आर अर्ली प्रोग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, तो डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस करना, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट करना। ठीक है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर पैप स्मियर टेस्ट, रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट। तो ऐसे करने से डिजीज का पहले ही हम प्रोग्नोसिस कर लेंगे, पहले ही पता लगा लेंगे और उसको टाइमली ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, या फिर रेफरल, तो हम रेफरल करके, हाई लेवल पे रेफरल करके भी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस। ठीक है, डिजीज प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है, डिजीज़ बढ़ रही है, उसको वहीं पे ही उसी लेवल पे उसको अरेस्ट करना और रीस्टोर, हेल्थ को रीस्टोर करना। ठीक है, मतलब कोई भी डिजीज हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करके हेल्थ को रीस्टोर करना, उसको ट्रीट करना। ठीक है, और मतलब उसकी जो भी पैथोजेनिसिटी है, उसकी जो भी अगर वो सीवियर स्टेज में पहुंच जाएगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो सीवियर स्टेज से पहले ही हमको वो डिजीज़ को ट्रीट करना। ठीक है, एंड रिवर्स कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। इट प्रोटेक्ट अदर इन कम्युनिटी फ्रॉम एक्वायर इन इन्फेक्शन, थस प्रोवाइड एट वंस सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर द इन्फेक्टेड वंस एंड
प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर देयर पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स। ओके, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, वो सेफ है, डिजीज़ में नहीं है वो, ठीक है, वो सेफ चल रहा है। लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, उसको डिजीज़ हो चुकी है, लेकिन हम उसको ट्राई कर रहे हैं डिजीज़ से बाहर करने की। टर्सरी प्रिवेंशन, इट इज़ यूज व्हेन डिजीज प्रोसेस एंड एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज। मतलब क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि डिजीज़ का प्रोग्रेस हो चुका होता है, ठीक है, बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज, मतलब उसकी अर्ली स्टेज से भी ज़्यादा उसका प्रोग्रेस हो चुकी है डिजीज़, ठीक है। ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस, मतलब जो भी मेजर्स हम कर सकते हैं उसके डिजीज़ की वजह से पर्सन को जो इम्पेयरमेंट होने वाला है, जो डिसेबिलिटी होने वाली है, उसके उसको उनको प्रिवेंट करने के लिए हम जो भी मेजर्स करेंगे, ठीक है, उस तो वो होता है टर्सरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो और क्या इसके आगे डेफिनेशन में और क्या है, टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्ट टू इर रिमीडिएबल कंडीशन, ठीक है। तो जो इर रिमीडिएबल कंडीशन है उसमें पेशेंट को एडजस्ट करने के लिए प्रमोट करना, ठीक है। इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्प्लिश इन द स्टेज टर्सरी प्रिवेंशन आर डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रिवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज। मतलब इसमें क्या होता है कि डिजीज़ तो हो चुकी है, लेकिन डिजीज़ से जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी इम्पेयरमेंट होते हैं, डिसेबिलिटीज़ हो गई है, होने वाली है, उनसे हमको उनको कम करना है, उनसे उनसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो इसमें डिजीज़ को प्रिवेंशन, डिजीज़ होने के बाद में जो डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करना, और साथ में इसमें रिहेबिलिटेशन करना पेशेंट को, ये भी इसमें इंक्लूड होता है कि पेशेंट को हम कैसे बाद में रिहेबिलिटेट करें कि वो अपनी धीरे धीरे अपनी जो नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे अचीव करें, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप देखिए, एड्रेसिंग द सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तो हमने देखा लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि जो प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन है उसमें हम क्या करते हैं कि जो रिस्की फैक्टर है उनको उनसे प्रिवेंट करना, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो डिजीज होने वाली है उनसे प्रिवेंट करना, मतलब प्रीमोडल में जैसे रिस्क फैक्टर कैसे होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, ठीक है, तो नो स्मोकिंग के लिए मतलब हम उनको एजुकेट कर सकते हैं पर्सन को, या फिर ग्रुप सोशल ग्रुप को हम एजुकेशन दे सकते हैं कि वो स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग की वजह से ये जो डिजीज़ है ये हो सकती है, ठीक है। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो डिजीज़ है उससे हम प्रिवेंशन करते हैं, मतलब जैसे वैक्सीनेशन करते हैं बेबी का, तो वैक्सीनेशन करके हम उसको प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ होने से, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें हम क्या करते हैं कि डिजीज़ तो हो चुकी है लेकिन डिजीज़ ज़्यादा एडवांस स्टेज में ना हो उसके लिए प्रिवेंट करना। एंड टर्शरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं कि डिजीज़ हो चुकी है, एडवांस स्टेज में डिजीज़ हो चुकी है, लेकिन डिजीज़ की वजह से डिसेबिलिटी जो हुई है, ठीक है, जो डिसेबिलिटी या जो इम्पेयरमेंट हुआ है पर्सन को, उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, और साथ में पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना। ओके, थैंक यू।